गदर 2 की कामयाबी के बाद पब्लिक चाहती है कि सनी देओल अपनी पुरानी फिल्मों को रिवाइव करें, फिर चाहे वो अपने 2 हो या फिर यमला बगला दीवाना हो या फिर पुरानी फिल्में हो। लेकिन सनी देओल ने खुद अपने मुंह से जिन फिल्मों को प्रमोट करने की बात कही है या पार्ट 2 बनाने की बात की है, उसमें पहला नंबर आता है अपने के पार्ट 2 का। और वो कहते हैं इसकी कहानी भी काफी टाइम से लॉक है, हालांकि यहाँ पर एक पेच है। सनी देओल अपने 2 में धर्मेंद्र की मौजूदगी कैसे जाहिर कर पाएंगे, जबकि धर्मेंद्र की हेल्थ आजकल बहुत बड़ा इशू बन चुकी है। अगर आप धर्मेंद्र को आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कमजोर एंड वीक फील करते हैं, यहाँ तक कि अपनी बातचीत करने में उनके वर्ड बहुत क्लियर लफाजों में निकलते नहीं है। आपने उनको रॉकी रानी की प्रेम कहानी में देखा होगा, वहाँ करण जौहर ने बहुत स्मार्टली यूज किया है, व्हील चेयर में बिठाया है, बहुत डायलॉग नहीं दिया, एक्सप्रेशन से काम चलाया है, फिर भी धर्मेंद्र की बेचारगी दिखती है। जबकि अपने में उनका जो रोल था बहुत इमोशनली स्ट्रांग था, प्लस बॉक्सर के बाप का रोल था, यानी वहां पर फिजिकली स्टैमिना भी देखा जाता है। अपने 2 बनते बनते इतने सालों गैप आ गया, अब लगता है धर्मेंद्र वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे जो उन्होंने पहले पार्ट में निभाई थी। ऊपर से अपने 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे में प्रोडक्शन शूटिंग कब स्टार्ट होगी भगवान ही जानता है। बहरहाल सनी देओल को जल्दी जल्दी करना चाहिए, वरना घर में जो बड़ा परिवार है वो सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ना होकर अब हेमा मालिनी बनती है, जो एक्टिव भी है, फिल्मों में बहुत ज्यादा अपना काम भी कर सकती है। और अगर सनी देओल अपनी फ्रेंचाइजी को बेटर करना चाहते हैं तब उनको देओल परिवार में हेमा ईशा की एंट्री करानी चाहिए। जरा फर्ज करके देखिए, अपने का पार्ट 2 लॉन्च हो और धर्मेंद्र के साथ साथ हेमा मालिनी ईशा देओल भी आ जाएं, तब सही मायने में अपने का एक्सटेंडेड वर्जन होगा। बिकॉज अपने के पहले पार्ट में जहाँ देओल परिवार एक साथ आया था, बाप और 2 बेटे, वहीं पार्ट 2 में अपनी सौतेली बहन और माँ को भी लाकर वो अपने को सही मायनों में उसका स्पिरिचुअल सीक्वल बना सकते हैं। वैसे भी धर्मेंद्र की जो भी कमी होगी स्क्रीन पर अपनी फिजिकल अपीयरेंस की, उसको हेमा पूरी कर सकती हैं। और कहानी में फेमिनिस्ट एंगल भी आ सकता है वुमन एम्पावरमेंट के तौर पर। तो सनी पाजी को थोड़ा सा अपने मिजाज को, अपने इम्प्रेशन को चेंज करना चाहिए और अपने 2 पर जल्दी काम करना चाहिए, बिकॉज धर्मेंद्र की मौजूदगी के बिना अपने 2 बन नहीं सकती। और धर्मेंद्र जब तक फिट रहे, हेल्दी रहे, बातचीत में एक्टिव रहे, तभी तक मूवी बन सकती है। बहरहाल ये मात्र सजेशन है, लेकिन हाँ, सनी को थोड़ा जल्दबाजी दिखानी चाहिए, वरना नागार्जुना के पिता की तरह सबकी किस्मत नहीं होती, अपनी मूवी टाइम पर कंप्लीट कर लें। वैसे भी आजकल फिल्मों को बनने में, अप्रूव होने में, रिलीज होने में साल भर का टाइम लगता है, और अपने जैसे फ्रेंचाइजी को बनाने में टाइम पूरा लगेगा। तो देओल परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं अपने 2 के लिए। उम्मीद करते हैं बड़े पर्दे पर देओल परिवार फिर से आएगा और पब्लिक को एंटरटेनमेंट का अपनापन देगा।